हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रियल टिप्स। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास है दो डिवाइस और गाइस व्हाट्सएप ने एक रिसेंटली न्यू अपडेट की है और अपडेट भी बहुत ही अच्छी है। अच्छी कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड गाइस आपको कैसे वो आपको मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो अगर आपने व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपना व्हाट्सएप को अपडेट कर ले। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप अपडेट कर रखा है। तो गाइस अब गाइस जो फीचर्स यहाँ पर मिला है वो मिला है गाइस यहाँ पर, जैसा कि मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर थ्री डॉट लाइन पे क्लिक करूंगा एंड गाइस यहाँ पर लिंक डिवाइस के, अब गाइस ऐसे मत समझना लिंक डिवाइस, ये ऑलरेडी फीचर्स था इसमें, लेकिन गाइस इसमें भी अपडेट की है कुछ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी न्यू अपडेट हुई है। तो लिंक है डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यूज मोबाइल डाटा का एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर, इस पे क्लिक करना एंड इसे अनलॉक कर लेना। तो गाइस मैंने यहाँ पर इसे अनलॉक कर लिया। जैसे ही यहाँ पर अनलॉक करोगे तो ये स्कैनर आ गया, यानी कि आप QR कोड को स्कैन करके सेम व्हाट्सएप को दूसरे मोबाइल में चला सकते हो। यही फीचर से गाइस ये, लेकिन गाइस इसमें कुछ नीचे और ऐड कर दिया है, लिंक विद फोन नंबर इंटरेस्टेड, ठीक है। सो गाइस जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर आपको 8 डिजिट के कोड डालने पड़ेंगे एंड गाइस जिस भी मोबाइल में आप इसे लिंक करना चाहते हो वो ऑटोमेटिक आप लिंक कर सकते हो। अब ये वर्क कैसे करता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक आपको देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। अब गाइस मेरे पास यहाँ पर दो डिवाइस है। अब जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस आपके कई मित्र है, ठीक है, यहाँ आपके पास आपका मोबाइल एक घर रह गया और एक आपके पास है। अब गाइस आप अपने मोबाइल में यानी कि दूसरी जगह पे गाइस आप चलाना चाहते हो आपके सेम व्हाट्सएप को, ठीक है। तो गाइस ऐसा तो होगा नहीं कि आप इस QR कोड को स्कैन कर लो, तो गाइस QR कोड को तो स्कैन कर नहीं पाओगे एंड गाइस इस कोड की मदद से आप इसे यूज कर सकते हो। अब यूज कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरी प्रोसेसिंग। तो इसके लिए आपको अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में अब ये कोड कहां पर मिलेंगे गाइस, ठीक है, ये कोड जो कोड होते हैं वो कोड मिलेंगे कहां पर, ठीक है। सो गाइस गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है एंड गाइस आपको यहां पर सर्च करना है व्हाट्सएप वेब करके। तो दोस्तों आपको यहां पर सर्च करोगे व्हाट्सएप वेब तो गाइस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, व्हाट्सएप का है, ठीक है। सो गाइस यहां पर व्हाट्सएप वेब में सर्च कर लेता हूं, ये आ चुका है एंड गाइस मैंने यहां पर क्लिक कर दिया व्हाट्सएप वेब। अब गाइस आपको यहां पर ऊपर ही ये देखने को मिल जाएगा, यहां पर ऐड वगैरह लगा हुआ है, अदरवाइज इसमें बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे एप्लीकेशन। तो गाइस कोई सा भी एक एप्लीकेशन आपको व्हाट्सएप वेब का डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस मैं यहां पर इसे ही डाउनलोड कर लेता हूं एंड गाइस इंस्टॉल कर लेता हूं। तो गाइस इसे इंस्टॉल करोगे इसी में से ही आपको QR कोड देखने को मिलेगा एंड गाइस इसी से ही आपको पासवर्ड 8 डिजिट का पासवर्ड देखने को मिलेगा। अब समझ लो कि मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, और गाइस इसका व्हाट्सअप, ठीक है, इसका व्हाट्सअप इसमें चलाना चाहता हूँ विदाउट स्कैन करके, ठीक है। तो गाइस कैसे करूंगा वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ इसे। तो गाइस मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया एंड गाइस यहाँ पर फुल प्रोसेसिंग में करता हूं। तो यहां पर देख सकते हो व्हाट्सएप वेब एप्लीकेशन यहां पर ओपन हो रही है। तो गाइस इसे ओपन होने देते हैं। यहां पर इसमें ऐड वगैरह काफी आते हैं तो इसे कट कर देता हूं मैं, ऐड को, ऐड ज्यादा आते हैं। उसके बाद में यहां पर आप जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हो एंड ऊपर आपको टिक देखने को मिलेगा यहां पर, ये वाला, इस पे क्लिक करना, पूरा चलाना सीख लो क्योंकि इसमें काफी दिक्कत आती है, कट पे क्लिक करना एंड गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप गाइस जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसका व्हाट्सएप इसमें चलाना चाहता हूं मैं, ठीक है, विदाउट QR कोड स्कैन किए हुए, ठीक है, समझ में आ गई आपके बात। तो गाइस अब क्या करना है आपको आगे की प्रोसेसिंग, ठीक है, वो समझा देता हूं मैं आपको। जैसा कि मेरे पास ये व्हाट्सएप है, देख सकते हो यहाँ पर आप जो भी इसमें चैट वगैरह है, ठीक है, वो व्हाट्सएप इसमें है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, यही व्हाट्सएप इसमें चलेगा विदाउट QR कोड स्कैन किए हुए, ठीक है। सो गाइस यहां पर मैं क्लिक करता हूं व्हाट्सएप पे एंड गाइस यहां पर जैसे व्हाट्सएप पे मैं क्लिक करूंगा देन गाइस यहां पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूं। तो गाइस मैंने यहां पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया एंड गाइस यहां पर कुछ ये बता रहा है तो ऊपर एक टिक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर लेना, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक QR कोड देखने को मिल जाएगा। अब डायरेक्ट आप QR कोड को स्कैन करके चला सकते हो, लेकिन गाइस आप कहीं दूर शहर में हो और आपका मोबाइल आपके घर पर है तो गाइस आप QR कोड को स्कैन तो कर नहीं सकते। तो यहां पर एक फीचर देखने को मिलेगा आपको लिंक विथ फोन नंबर का, गाइस देख सकते हो लिंक विथ फोन नंबर, इस पे क्लिक करना देन गाइस इस पे क्लिक करोगे तो गाइस जिस भी व्हाट्सएप को आपको चलाना है, जैसे कि मैं इस मोबाइल के व्हाट्सएप को चलाना चाहता हूं इसमें, तो गाइस यहां पर मैं नंबर डालूंगा, ठीक है। सो गाइस इसके नंबर डालूंगा मैं यस में एंड गाइस इस पे OTP आएगा, यानी कि ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा, वो सब कुछ प्रोसेसिंग बताऊंगा।
तो गाइस मैं यहाँ पर पहले नंबर फिलअप कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पर गाइस नंबर डालने के बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन गाइस नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो 8 डिजिट का कोड आपको मिल चुका है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक व्हाट्सअप एक मैसेज भी भेजेगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हो ऊपर व्हाट्सअप का एरर आ चुका है, यानी कि सिंबल एंड नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब गाइस यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको बताया कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डॉट लाइन पे क्लिक करना, 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके लिंक डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करना, एंड गाइस लिंक एड डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करके यूज मोबाइल डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करना, देन गाइस अनलॉक कर लेना। तो गाइस मैं यहाँ पर इसे अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के बाद में आपको नीचे एक फीचर्स दिखाई देगा लिंक विद फोन नंबर का, ठीक है। सो गाइस इस पे क्लिक करना, देन गाइस इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 8 डिजिट के कोड जो इसमें आए हैं वो कोड आपको इसमें डालने। अब गाइस मैं यहाँ पर कोड डाल देता हूँ जैसे कि यहाँ पर देख के। सो गाइस यहाँ पर मैंने डाल दिए है यहाँ पर कोड। जैसे मैं यहाँ पर कोड डालूंगा तो गाइस जो भी डाटा, गाइस देख सकते हो आप जो भी डाटा है इसमें, जो भी व्हाट्सअप का जो भी व्हाट्सअप था वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये लिंक हो चुका है, एंड गाइस इसमें प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइस मैं ओके ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, हम देख सकते हो गाइस यहाँ पर जो पूरा इसमें था वो इसमें आ चुका है, यानी कि बैक लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड गाइस जो कनेक्ट हुआ है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। एंड गाइस इसे लॉग आउट कैसे, इसे हटा कैसे सकते हो दूसरे मोबाइल में से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बैक लेते हैं, एंड गाइस आप देख सकते हो पूरे के पूरे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऊपर, सेम देख सकते हो ये वाला सब कुछ सेम है, यानी कि इस टाइप से गाइस आप लिंक के डिवाइस यानी कि जो कोड है उस कोड का यूज करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो अदर डिवाइस में विदाउट स्कैन के, ठीक है। एंड गाइस इसे अब आप हटाना चाहते हो यानी कि इस डिवाइस में से इस व्हाट्सअप को हटाना चाहते हो तो आपको सेम लाइक प्रोसेसिंग करनी है लिंक डिवाइस यानी कि ओपन करके। यहाँ पर आपको गूगल क्रोम का एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिव, इस पर क्लिक करना, देन गाइस लॉग आउट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप लॉग आउट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो गाइस इसमें से ऑटोमेटिक आपका व्हाट्सअप हट जाएगा, यानी कि व्हाट्सअप वेब में से ऑटोमेटिक आपका व्हाट्सअप हट चुका है, देख सकते हो यहाँ पर हट गया एंड वापस यहाँ पर आ चुका है क्यूआर कोड स्कैन वगैरह। तो गाइस ये था फीचर्स, कैसा आपको लगा कैसा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।